एजेंट लोग जो भर गए यहाँ पे आसपास में कहीं ठहर के देख रहे हैं हमारे, ये लोग यहाँ पे लूटा मलाटी करने का काम कम करना चाहिए। बियर के बोतल हो या कुछ सब अंदर गिरे, अब ये क्या ऑफिसर पी रहे क्या, ये लोग थके आके पी रहे मालूम नहीं हो रहा। MS की मिल कंडी मार्केट के तरफ जो भी गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज बहुत पड़े हैं वहाँ पे, वहाँ के प्रॉपर्टीज MLA वहाँ पे खरीदी कर रहे हैं। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road Gulbarga. आज नेमदी केंद्र के सामने आज हमारे JDS के तमाम नौजवान और पूरे हमारे सिराज शाब्दी साहब, हमारे साजिद कल्याणी साहब, पूरे कारपोरेटर्स और पूरे JDS के सीनियर मुकुंद यहाँ पे जो मौजूद है, आज नेमदी केंद्र के सामने जो आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आज लगभग जो गुलबर्गा के सिटीजन को आज बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, और नेमदी केंद्र जो है प्रॉपर मेंटेनेंस ने, ये क्या हो गया अभी यहाँ देखो, ऑफिस तो बहुत बुरी तरह बिगड़ गए। सो ये आज नेमदी केंद्र बोले तो बहुत सारे आज फैमिली ट्री लेके हर एक डॉक्यूमेंट्स, पानी जो भी आज जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियली को जो यूज़ होते हैं, आज यहाँ पे नेमदी केंद्र के अंदर ही यहाँ से जनरेट होना ज़रूरी है। आज लगभग हमारे सिटीजन को नॉर्थ और साउथ के जो सिटीजन है उनके लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है और फोर व्हीलर आ नहीं सकते, और कई विलेज के लोग भी आने के लिए यहाँ पे गाड़ियों का सहूलत नहीं है। तो आज हम यहाँ पे JDS की तरफ से जो प्रोटेस्ट करना है, यहाँ के DC साहब को और यहाँ के हुकूमत को और यहाँ के MLA जो नॉर्थ और साउथ के जो MLA है, आज मैं ये सोशल मीडिया के ज़रिए आज MP साहब को भी मैं बोलना चाहता हूँ, नेमदी केंद्र जो है हमारे उधर राम मंदिर सर्कल के तरफ नहीं तो MS के मिल कंडी मार्केट के तरफ जो भी गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज़ बहुत पड़े हैं वहाँ पे, वहाँ के प्रॉपर्टीज़ MLA वहाँ पे खरीदी कर रहे हैं, ऐसे प्रॉपर्टी के अंदर वहाँ पे एक नेमदी केंद्र भी होना चाहिए बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। और नॉर्थ के अंदर ये ऑफिस जो है अच्छे लेवल पे शिफ्ट होना चाहिए, ये ऑफिस के अंदर कहीं अभी अंदर जाके हम लोग सर्वे करें कहीं बियर के बॉटल हो या कुछ सब अंदर गिरे है, अब ये क्या ऑफिसर पी रहे क्या, ये लोग थके आके पी रहे मालूम नहीं हो रहा। तो यहाँ प्रॉपर चैनल होना चाहिए, प्रॉपर यहाँ पे मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर ये अगर नहीं होगा आने वाले दिनों में हमारे पार्टी के तरफ से हम यहाँ के हुकूमत के खिलाफ, यहाँ के MLA के खिलाफ रोड पे उतरेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे और एक नेमबंदी केंद्र के अंदर बहुत सारे यहाँ पे एजेंट भर गए हैं, आज जो लोगों को हजम नहीं हो रहा है, जो फीस ऑफिशियली गवर्नमेंट का जो फीस है वो फीस लेना चाहिए, वो फीस छोड़ के जो एजेंट लोग जो भर गए यहाँ पे आसपास में कहीं ठहर के देख रहे हैं हमारे को, ये लोग यहाँ पे लूटा मलाटी करने का काम कम करना चाहिए, यहाँ के आवाम का खिदमत करना चाहिए, और यहाँ पे जो इमीडिएट जो यहाँ की हुकूमत है इमीडिएट एक्शन लेके जहाँ जो भी एजेंट्स यहाँ पे एजेंटगिरी कर रहे हैं इनको यहाँ पे इमीडिएट रोका जाए, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आज लोगों को यहाँ पे सहूलत बना के उनको जो भी नियमित केंद्र में जो भी सहूलतें हैं वो पूरा सहूलतें पूरे करके देना बोल के बोलना चाहता हूँ। सब कर्नाटक प्रदेश जनता दल डिस्ट्रिक्ट लेबर विंग कलबुर्गी ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दिया है ना, ये एप्लीकेशन में आप सारे चीज़ मौके से भूले अभी तो हम दो तो अभी कर गए बोले हम टॉयलेट्स रूम एंड पार्किंग्स एंड कैमराज तो पहले से, अभी तो साहब बोल रहे लेट हो रहा ऑपरेट्स ठीक समय के नहीं आ रहे, इसलिए बोल रहे मैं अभी दो तीन बोर्ड का दरा के बारे में रेट के बारे में अभी दो दिन में डालता हूँ रेट बोर्ड का, इसको क्या है पेंशन को कुछ रेट नहीं है, कास्ट इनकम 25 रुपीज़ है ऐसा, हाँ 41 है अभी ज़्यादा गया ना 40 रुपीज़ है, हाँ इसलिए क्या अभी तो पेंशन कुछ नहीं रेट, इसलिए मैं रेट बोल डालता हूँ ऑपरेटर को, मैं स्ट्रिक्टली आज ही डायरेक्शन देता हूँ, ऐसा गरीब लोगों का कचे तहसील ऑफिस तो गरीब जन का ऑफिस है, इसलिए गरीब लोग किसको नॉन एजुकेटेड नहीं रहते अनएजुकेटेड रहते उनको तकलीफ नहीं देना, वो तो एक मेरे को नॉलेज पाए तो उस नौकरी से निकाल देता हूँ। सर यहाँ पर एजेंट की बात आ रही है, एजेंट पर क्या एक्शन, एजेंट को ऐसा कर सकते हैं सर, एजेंट कहाँ कहाँ भी आप इस दुकान में वहाँ एजेंट भरे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एजेंट को, मेरे नॉलेज को मैं पुलिस पे लेटर लेकर आपको नॉलेज तो नहीं सर, अंदर तो नॉलेज है ना सर कौन एजेंट है कौन कितने ले रहे हैं, ऐसा मैं दो जनों को अभी FIR करने के लिए लेटर दिया हूँ आपको देते हुए कॉपी मेरे ऑफिस में है अभी लाख दी बोलते देता हूँ पुलिस स्टेशन बनो, क्या होते गरीब लोग यहाँ टेबल पर बैठते थे दो लेडीज नाम भी है और है सर दत्तु हाँ दत्तु और एक लमन एक ऐसी बैठते
रमा भाई उनका नाम से मैं पॉलिटिशियन को ऐसा गरीब लोगों को मेरे पास वीडियो भी देता हूँ आपको, मेरे पास अंदर हो मेरे वीडियो है, ऐसे गरीब लोगों को पैसे ले को ये करने का कर दे, इसलिए मैं उनको स्ट्रिक्टली केस कर रहा हूँ। ज्यादा क्या होता था करने का मेरे को इधर नॉलेज को लेकर मेरे को उधर एक टाइम पे नहीं रहता होता, तो मैं एक्शन लेता हूँ उनका। रिजेक्ट वजीफा क्या है सर, वो दो बच्चे नहीं रहना ऐसा बच्चे रहे तो फाइनेंस वाले भी वो क्या करे, 2000 हो गया ना बीएसएस में, बहुत लोग उसके पीछे पड़े। गरीब लोगों का कभी भी मैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स मैं मंजूरी कर रहा हूँ। मेरा देखो मेरे ऑफिस में एक